कल श्रीमती सोनिया गांधी जी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके निर्वाचन क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। साथ ही हमारे पर्यवेक्षक जो उत्तर प्रदेश में AICC ने तैनात किए हैं, उनके साथ बैठक हुई। और आज सुबह वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। बजट पूर्व सभी राज्यों से राय शुमारी की जाती है, उस परंपरा का निर्वहन किया गया। और छत्तीसगढ़ से जो मैंने बात रखी, वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कोरोना महामारी और भारत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण से देश में महंगाई बढ़ी है। 14.23% महंगाई बढ़ी, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। दूसरा, 7.8% बेरोजगारी भी दर में वृद्धि हुई। तीसरा, 7.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, जो गरीबी रेखा के ऊपर थे। चौथी बात, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के दरों में 40% की वृद्धि हुई। और इसके कारण से आम जनता की क्रय शक्ति में कमी आई। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए भी मैंने सुझाव दिए। पहला सुझाव ये है कि मनरेगा के जो दर है, उसे श्रम आयुक्त के जो दर है उसके बराबर किया जाना चाहिए, उससे मजदूरों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ किसानों के जो उत्पाद है, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था भारत सरकार पूरे देशभर में करे, ताकि किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो बातें हैं, उसमें जो मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि सबसे पहली बात यह है कि पिछले 3 सालों में 18-19, 19-20, 20-21 में केंद्रीय कर में जो केंद्र के बजट में जो प्रावधान था, उसमें 13,089 करोड़ हमको नहीं मिला, हमको उसको दिया जाए। दूसरा, पिछले वर्षों में नक्सली समस्या के कारण से केंद्रीय सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ में तैनात हैं और उसमें करीब 15,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन का लगा है। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान करके उसकी पूर्ति की जाए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो GST का है। और GST में 2022 जून में GST जो हम लोगों का जो समायोजन होता है, जो उत्पादक राज्यों को जो नुकसान हो रहा है, उसके समायोजन की जो तिथि है 17 जून 2022 को समाप्त हो जाएगा। और 2022-23 में ही हम लगभग हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। ऐसे में जो उत्पादक राज्य है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आयरन से संबंधित उद्योग लगे हैं, बॉक्साइट से संबंधित उद्योग लगे हैं, डोलोमाइट से संबंधित, लाइमस्टोन से संबंधित उद्योग लगे हैं, स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम,
और भी लगेंगे तो हमारे यहाँ लगेंगे। तो उद्योग लगने से राज्य को हमको कोई फायदा नहीं होगा, वो जो उपभोग करेंगे उपयोग करेंगे उसको फायदा होगा जीएसटी का। तो इसलिए या तो इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जाए या फिर ऐसे कोई स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे इस घाटे की पूर्ति की जा सके। और इस बात के समर्थन अन्य राज्यों ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री आए थे, वो लोग भी इस बात के उन्होंने समर्थन किया। एक और बात, पीएमजीएसवाई में जो सड़कें बनी हैं उसके संधारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जो सड़कें पुरानी हो गई है और उसमें बहुत अब टूट फूट गए हैं, तो संधारण की व्यवस्था की जाए। इंदिरा आवास में भी मैंने मांग की कि जो 50-60-40 का रेशियो है उसे 75-25 किया जाए, और जहां दुर्गम स्थल है, पहाड़ है, जंगल है, इंदिरा आवास में पहले 90-10 की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। एक और बात जो मैंने कही है कि जो अमरकंटक में आदिवासी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो खुला है उसका एक कैंपस बस्तर में भी खोला जाए, और नैक के क्षेत्रीय कार्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में खोलने की मैंने मांग की। तो ये सारी बातें वित्त मंत्री की बैठक में मैंने कही। अब आप जी चावल के मामले में भी मैंने कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली, लेकिन जब से एफसीआई में चावल ले रहे हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में उतना चावल जमा किया जाता रहा। ये पहले ही वर्ष है जिसमें उतना चावल लेने से मना किया गया, और वित्त मंत्री जी से मैंने मांग की है कि 23 लाख मीट्रिक टन चावल उतना चावल जमा करने की भी हमको अनुमति दी जाए। उसी प्रकार से इथेनॉल के लिए भी हमारे पास सरप्लस पेडी है, और उसका इथेनॉल बनाने की अनुमति जैसे 2025 तक के 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है तो उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से हम मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही, हमें उसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अनुमति दे दे और धान से हम इथेनॉल बना सकें। इससे राज्य को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा और फॉरेन करेंसी की भी बचत होगी। ये बात मैंने उसे कही है। साथ ही जो लेबर जो मंडी में जो लेबर काम कर रहे हैं तो लाइक 6 रुपये कुछ पैसे हैं उसे बढ़ा के 17 रुपया किया जाए। बारदाने के लिए भी वो 7 रुपया ही कुछ देते हैं पुराने बारदाने का, उसे 26 रुपया दिया जाए। ये मैंने मांग की।